हेलो नमस्कार आदाब कैसे हैं आप भावना गुड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं अभी बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव तो इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये छोले इस छोले को किस तरह से बनाते हैं इसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है आप चाहे तो मेरे चैनल पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं ये मैंने बिना लहसुन के ही छोले बनाए हैं बहुत ही टेस्टी है छोले और साथ ही मैंने अभी बनाया है ये हरा भरा मटर पुलाव ये मटर पुलाव बनाना बहुत आसान है जब आप इसे इसे छोले के साथ में खाएंगे तो सच मानिए आपको बहुत ही ज्यादा इसका टेस्ट आपको आने वाला है और घर में कोई गेस्ट आ गया है तो भी आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा तो चलते हैं इस मटर पुलाव को बनाने की प्रोसेस की तरफ तो मैंने ले एक कटोरी चावल लिए हैं जो भी आपके पास में चावल हो आप वही चावल ले लीजिए आपको चावल के लिए ज्यादा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है तो मैंने एक कटोरी चावल लिए हैं साथ ही लिए हैं एक कटोरी ताजे हरे मटर क्योंकि विंटर का सीजन है तो इसमें जो मटर है वो ताजे ही हैं तो मैंने छीड़ के इसको रेडी कर लिया है तो सबसे पहले क्या करना है जो मैंने ये चावल लिए हैं उस चावल को सबसे पहले हमें करना है वॉश तो चलते हैं सिंक की तरफ और ये जो चावल है इसको अच्छे से हम दो से तीन बार तक अच्छे से इसे मसलते हुए इसे हम धो लेंगे ताकि इसमें जो भी अनप्योरिटी हो जो गंदगी हो धूल मिट्टी हो साफ हो जाए और चावल थोड़े से फूल जाएंगे तो आपको इन्हें के नहीं रखना है सिर्फ इसको धो लेना है तो मैं इसे दो से तीन बार धो लेती हूँ आप देख सकते हैं एकदम साफ हो गए हैं तो और दो से तीन बार मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और चावल बिल्कुल धुल के रेडी है तो चलते हैं गैस की तरफ तो गैस चालू करेंगे गैस चालू कर लिया इस पर रख दिया है मैंने कुकर तो कुकर गरम हो गया है और तो इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल जो भी आप ऑयल खाते हैं डालिए तो मैंने एक से दो चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है अब डालेंगे इसमें जीरा आधा चम्मच और दो चम्मच दो मैंने पत्ते लिए हैं ये तेज पत्ते के और तेज पत्ता डाल दिया है मैंने और उसके बाद में डाला है मैंने ये हरी इलायची और साथ में कुछ आठ दस काजू मैंने डाल दिए हैं और इसको हल्का सा सुनहरा कर लेना है सुनहरा हो गया है तो इसके बाद में हमें क्या करना है जो चावल मैंने धोके रखे थे उसको हम इसमें डालेंगे तो चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं और उसमें थोड़ा सा इसमें पानी था पानी ज्यादा नहीं था बस आधा कटोरी इसमें पानी होगा करीब तो आधा कटोरी पानी इसमें चावलों के साथ ही था इसके बाद में मैंने ये हरी मटर डाल दिए हैं और इसके बाद में एक कटोरी मैंने चावल लिए हैं तो इसमें एक से डेढ़ कटोरी आपको पानी डालना है पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है तो मैंने एक कटोरी चावल में डेढ़ कटोरी पानी डाल दिया है इसके बाद में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और नमक डालने के बाद में इसे मिक्स कर लेंगे और आप ढक्कन डालकर इसे कर देंगे कवर और एक सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे तो बस एक सीटी हम इसमें आने देंगे तो एक सीटी आ चुकी है तो गैस को कर देंगे बंद गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने तक हम का इंतजार करेंगे तो जो कुकर का जो प्रेशर है फिनिश हो गया है तो हम इसके खोल के देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली इसमें पानी था मैंने एक कटोरी चावल में डेढ़ कटोरी पानी डाला था बिल्कुल भी पानी एक्स्ट्रा इसमें नहीं है और बढ़िया से मटर का पुलाव बन के रेडी हो गया है और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आया है तो हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा गर्मा गर्म मटर पुलाव बन के है रेडी तो इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए चाहे तो आप इसे दाल के साथ खाइए सब्जी के साथ खाइए छोले के साथ खाइए चाय खाइए आप इसे अचार के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में आप इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो अच्छा लगा है क्या इसमें आपको अच्छा नहीं लगा है कुछ भी आप मुझसे कहना चाहते हैं आप जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन दीजिएगा मुझे आपके हर सजेशन का इंतजार रहता है तो मटर का जो पुलाव है बिल्कुल गर्मा गर्म रेडी है और इसके साथ मैंने रख लिया है ये एक कटोरी में छोले लिए हैं बहुत तेजी से भूख लगी है और, और ये मैंने लिया है आ, हरी मिर्ची का मैंने अचार लिया है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है आ, कटी हुई हरी मिर्ची का बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट अचार तो बस आ, आपको आ, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो गर्मा गर्म चावल आ, मटर पुलाव के साथ खाइए छोले तो बस मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऊपर से करते हैं हरे धनिए से इसकी थोड़ी सी गार्निश तो बस रखिये अपना ख्याल अपना सी यू केयर एकदम खिला खिला मटर पुलाव खाने के लिए है बिल्कुल रेडी सेडी और ऐसे खाइए इंजॉय कीजिए और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाय सी यू टेक केयर